हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में, कि हेडर और फुटर होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने हेडर के बारे में पहले भी बताया और फुटर के बारे में पहले बताया, ठीक है, लेकिन हमने उसको करके नहीं दिखाया, बस बताया है क्या होता है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं हमने कभी अभी आपको पढ़ाया नहीं है। आज मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए, जो हेडर है वो हमेशा पेज के टॉप पे लगता है। क्या होता है? हमेशा पेज के टॉप पे लगता है। जैसे सपोज मान लो हमारा यह पेज है, ठीक है, तो जब भी हम हेडर अप्लाई करेंगे उस पेज के टॉप पे अप्लाई होगा। और एक पेज है तो एक पेज पे होगा, दो पेज है तो दो पेज पे होगा, 10 पेज है तो 10 पेज पे होगा। मतलब इतना समझो कि उस डॉक्यूमेंट्स में जितने पेज होंगे, अगर एक बार हम हेडर लगा देते हैं सबके टॉप पे वो हेडर आएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हेडर कहाँ पाया जाता है, पेज के ऊपर, पेज के नीचे, या हर पेज पे, हर पेज के टॉप पे। इतना समझना, टॉप पे दिखता है लेकिन हर एक पेज पे दिखता है, केवल एक पेज पे नहीं दिखता है, ठीक है, दो पेज पे नहीं दिखता है, जितने पेजे रहते हैं सब पे दिखता है। अगर एक पेज पे है तो एक पेज पे दिखेगा, दो पे है तो दो पे दिखेगा, तीन पे है तो तीन पे दिखेगा। हाँ, चाहे आप पहले पे लगाओ, चाहे दूसरे पे लगाओ, चाहे तीसरे पे लगाओ, मतलब हेडर कहीं पे भी अप्लाई करोगे सब पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं हम 10वें पेज पे चले गए और 10वें पे लगाए तो 9 जो हमारा पेज है वो नहीं होगा, नहीं, उन 9 पे अप्लाई हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। चाहे पहले पे लगाओगे तो भी 10 रुपये हो जाएगा, पांचवे पे लगाओगे तो उसके पहले जो 4 होंगे उस पे भी होगा, उसके बाद जो 5 होंगे उस पे भी होगा। मतलब हेडर कहीं पे भी लगाओगे हर एक पेज के टॉप पे आता है। अब सवाल यह सर क्यों लगाते हैं, क्या इसका रीजन है, ठीक है। तो देखो, ज्यादातर लोग हेडर मैक्सिमम लोग दो कंडीशन में लगाते हैं। एक, अगर सपोज मान लो हमने नोट्स कोई तैयार किया है और मैं सोच रहा हूँ मेरे संस्था का नाम हर एक पेज के टॉप पे आए। कहाँ पे आए? हर एक पेज के टॉप पे आए, जिसे आइडेंटिफाई हो सके कि किसके द्वारा ये बनाया गया। या आप लोग कई बार देखे होंगे लेसन वाइज हेडर दे दिया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है वह फर्स्ट लेसन का ही है, यहाँ से और यहाँ तक है सेकेंड लेसन का ही है, यहाँ से यहाँ तक है थर्ड लेसन का ही है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, हेडर का प्रयोग करते हैं। मतलब आप अपना नाम तो देते नहीं हो, अपने संस्था का नाम दे सकते हो, ठीक है, मतलब बुक का टाइटल बना सकते हो, जैसे आप लोग आप विद्या में पढ़े होंगे, ठीक है, यूपीएस पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहां पर लिखा रहता है प्रथम प्रश्न पत्र, और 10 15 20 पेज तक जाता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो लिखता है द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। वो क्या हर पेज पे लिखा गया? नहीं, इसी हेडर का सहारा लिया जाता है। एक बार हम लगा देंगे सब पे आ जाएगा, फिर से जहां पे ब्रेक करना होगा वहां से ब्रेक कर देंगे, फिर से द्वितीय लिख देंगे, फिर से जहां पे ब्रेक करना होगा उसको ब्रेक कर देंगे, तृतीय लिख देंगे। तो वह हेडर के सहारे होता है, लेकिन अब उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सभी लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड पे कैसे होगा वो हम सीखने वाले हैं। और फुटर का मतलब यह हमेशा पेज के बॉटम पे लगता है। कहाँ पे लगता है? पेज के बॉटम पे लगता है, हमेशा उस पेज के नीचे लगता है। और ज्यादातर उस पेज के नीचे लोग फुटर में दिखाते क्या है, पेज का नंबर है, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, देखते हो ना आप लोग, और या किस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिख देते हैं मैक्सिमम। मतलब जैसे हर पेज पे हेडर लगता है वैसे हर एक पेज पे फुटर भी लगता है, चाहे एक पे लगाओ चाहे आप किसी पे लगाओ, फुटर हर पेज पे जाएगा। जैसे हेडर हर एक पेज पे जाता है, फुटर भी हर एक पेज पे जाता है, लेकिन फुटर का इस्तेमाल जल्दी कोई इंफॉर्मेशन लिखने नहीं करते हैं लोग, ज्यादातर पेज का नंबर ही देने के लिए करते, पेज का नंबर ही देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यही पे एक और ऑप्शन दिया पेज नंबर, उससे भी पेज का नंबर ही दिया जाता है, लेकिन उससे पेज का नंबर उतना बेटर तरीके से नहीं दिया जा सकता है जितना फुटर से दिया जा सकता है, क्योंकि फुटर में स्टाइल भी अलग है और अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जिसका प्रयोग करके हम आसानी तरीके से डाटा बना सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, बुक तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा, क्या प्रोसेस।
देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इस पेज पे और लिखता हूं कुछ इक्वल रैम, ब्रेक इट ओपन, और हमने टाइप कर दिया 50, मतलब पेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो समय में आएगा आप लोग। और थोड़ा सा इसको हम थोड़ा ज्यादा जूम कर देते हैं और जिससे आपको दिखे। देखो लगभग मेरे पास 4 पेज आया है। कितना पेज? 4 पेज आया है, मतलब 4 पेज का हमने डाटा बना के रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 4 पेज का हमने जो हेडर बनाया, मतलब डाटा बनाया है, मैं सोच रहा हूँ हर एक पेज के हेडर पे मेरे संस्था का नाम है। क्या है जी? तो कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है, हम दो तरीका लगाने का दिक्कत बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करिएगा। तो चलो हम करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हेडर पे आऊंगा मैं, और जैसे मैं हेडर पे आऊंगा तो पहले से देखो हमारे हेडर बहुत सारी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे, इसमें देखो अलग अलग स्टाइल वाइज दिख रहे हैं यहाँ से, इसमें से कोई आप चूज कर सकते हो और आप लगा सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इतने दिए हैं फॉर्मेट, तो चलो हम एक सिंपल ले लेते हैं यह वाला। हेडर ओपन हो गया, यहाँ पे देखो इसके लाइनिंग भी आ गया हेडर का, मेटर हमारा नीचे है और हेडर यह। अब देखो सेक्शन वाइज यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग यहाँ से कुछ टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं और इसको क्लिक करते हैं और टाइटल देते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करूंगा, बोल्ड कर दूंगा और थोड़ा साइज सेंटर में कर देता हूँ इसको, और साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब डिजाइन पे आके इसको हेडर को मैं क्या कर दूंगा यहाँ से क्लोज। अब देखो यहाँ पे आया, इस फर्स्ट वाले पेज पे भी है, नीचे आऊंगा सेकेंड वाले पे भी आ गए, फिर से नीचे आऊंगा, फिर से नीचे आ रहा बाबू, मतलब जितने पेज हैं हर एक पेज के टॉप पे हमारा हेडर आ गया। अब देखो मैं चौथे पे आके कुछ चेंज करता हूँ, डबल क्लिक कर दूंगा यहीं पे, और जो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है, सपोज मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया केवल GIT, क्या लिख दिया GIT, और मैंने कर दिया क्लोज। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे GIT है चौथे पे ना, अब ऊपर जाऊंगा तो ऊपर भी GIT हो जाएगा। देखिए मतलब आपस में सारे पेज क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और इसीलिए हेडर हमारा सब एक साथ सब पे अप्लाई होता है, और जो वर्ड हम लिख देते हैं वो सब पे लिख के आता है। क्लियर है यहाँ तक? लगा ले जाओगे? चलो अगर मान लो इनकेस कभी हटाना हो तो फिर से इंसर्ट पे आएंगे, हेडर पे आएंगे, और यहीं पे ऑप्शन दिया है रिमूव हेडर। अगर मान लो हम बना दिए और एडिट करना हो तो एडिट हेडर, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। समाया? तो हटाया भी जा सकता है और एडिट किया भी जा सकता है, तो चलो हम रिमूव कर देते हैं। एक तरीका यह हेडर लगाने का है, दूसरा तरीका अपने हिसाब से बना लीजिए, यहाँ पे प्रयोग मत करिए, इसी के ऊपर आइए जो लिखा हुआ है और डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही हेडर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप यहाँ से टाइप कर दीजिए। ठीक है, और टाइप करने के बाद उसको सेलेक्ट करके हम कहाँ चले जाएंगे, फिर से सेंटर में आ जाएंगे और साइज को बड़ा कर देंगे, क्लोज या क्लोज आ जाएगा। अब देखो पहले पे भी आएगा, मतलब चौथे वाला भी किया हूँ, देखो सब पे रहेगा, किसी कोई दिक्कत? दोनों तरीका बताया, और कौन सा यहाँ से हटाना हो तो डबल क्लिक करिए यहीं पे और यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और हटाना है हमेशा के लिए तो इंसर्ट पे आके रिमूव हेडर हो जाएगा। चलो हम लगाना चाहते हैं अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड करके, और फूटर भी लगाना चाहते हैं
जिसे पेज का नंबरिंग आ जाए, हमको नहीं पता चल रहा है किस पेज पे काम कर रहे हैं, तो आ जाएंगे फुटर पे। तो फुटर में देखो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, तो यह वाला ले लेते हैं। देखो यहाँ पे फुटर पेज का नंबर भी आएगा, ऑथर नेम भी आएगा, या पेज कितने और कितने में से कितने पे है ये भी दिखाएगा। चलो यही वाला ले लेते हैं, ग्रिड वाला। तो देखो बता रहा चार में से किस पेज पे है, किस पे है, पहले पे है। उसके बाद से देखो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, चौथे में से किस पे है, दूसरे पे। चौथे में से कितने में है, तीसरे पे। चौथे में से चौथे, ये भी हो सकता है। अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा है, हम सोच रहे अपने आथर का नाम भी लिख दूं और पेज का नंबर भी आ जाए, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, यहाँ से क्लिक कर दो। आथर नेम क्या है, तो लिख दिए यस के, ठीक है, कर देंगे क्लोज। हो जाएगा बाबू। तो बस यहाँ पे देखो नीचे जब आऊंगा तो यहाँ लिखेगा SK1, SK2, SK3, SK4। कोई दिक्कत हो जाएगा बाबू, समझ आ रही बातें? तो आप लोग आसानी तरीके से इसको करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये हेडर भी हमने बता दिया, फुटर भी बता दिया। अब सवाल यहाँ पे यह बनता है कि सर अगर मान लो आप पेज नंबर ही, तो सपोज सब पे अलग अलग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और ये जरूरी ही जरूरी है। लेकिन फुटर में सपोज मान लीजिए हमारा जो पहला लेसन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम मान लो पहला पेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरे पेज पे भी मान लो उसी से संबंधित है, इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन तीसरे के बाद से तो हमारा एमएस वर्ड है, तो वो हेडर कैसे लगा है? मतलब दो पेज पे अलग हेडर, दो पेज पे अलग हेडर, दो पेज पे अलग हेडर, ऐसा होगा। मान लो लेसन फर्स्ट है तो 10 पेज तक है, तो लेसन टू है 10 पेज तक है, लेसन थ्री है 10 पेज तक है, तो ऐसे कंडीशन में वो हेडर कैसे लगा है? इसमें देखो क्या हो रहा है कि पहले पे चेंज कर रहे हैं तभी सब में चेंज हो जा रहा है, और दूसरे पे चेंज कर रहे हैं तो भी समय चेंज हो जा रहा है। इसके लिए मैंने बोला होना ब्रेक करना पड़ेगा, उस लिंक को तोड़ना पड़ेगा, किसको, जो पेज आपस में कनेक्टेड है। देखिए अब उस लिंक को तोड़ेंगे कैसे, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ा बस ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी सर ऐसे इस्तेमाल करेंगे, नहीं ध्यान दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कहाँ काम क्या किए और कैसे अप्लाई किए। तो चलो फर्स्ट पे हम गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड के बाद से यह वाला हमारा हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद वाला जो पेज हो जाए वो हो जाए एमएस ऑफिस, उसमें एमएस ऑफिस के बाद से फिर से हमारा उसके बाद से पेज उसमें आ जाए एमएस वर्ड। कुछ ऐसा करना चाहते हैं उसके लिए करोगे क्या? तो यह फर्स्ट पेज है हमारे, तो फर्स्ट पेज को अलग कर देना है सेकेंड वाले से। तो कैसे करेंगे, सबसे ऊपर आ गए और फर्स्ट वाले के लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में क्लिक कर देंगे, और लास्ट में क्लिक करने के बाद से एक मेनू दिखेगा जिसे बोलते हैं पेज लेआउट। क्या है, पेज लेआउट, इसी पे क्लिक कर देंगे। और इसी पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद ध्यान से सुनना, इसी पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद से हम आ जाएंगे यही पे, एक ऑप्शन है ब्रेक्स, दिख रहा आपको, इसी ब्रेक पे आ जाएंगे और यही पे आएगा नेक्स्ट पेज, मतलब सेक्शन ब्रेक, मतलब जो एक सेक्शन क्रिएट हुआ है हम इस सेक्शन को ब्रेक कर देना चाहते हैं। जैसे मान लो ये पूरा एक सेक्शन है, मैं अप्लाई कर रहे हैं सब पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं तीसरे पेज से इस सेक्शन को तोड़ दे, ठीक है, मैं जब अप्लाई करूँ तो 3 पेज तक हो, उसके बाद वाला सेक्शन अलग हो, जब उस पे अप्लाई करूँ तो 2 पेज तक हो, और लास्ट पे अप्लाई करे तो 2 पेज तक जाए, या इस लास्ट तक अप्लाई करे तो 1 तक आए। तो ऐसे एक इस समय एक ही सेक्शन है, अब हम ब्रेक कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यही मैं करने जा रहा हूँ। मैं कर दिया नेक्स्ट पेज, क्या कर दिया, नेक्स्ट पेज, मतलब ये अलग पेज है और उसके बाद वाला हमारा क्या है, अलग पेज है। आपको सर कैसे पता चलेगा रियल में ब्रेक लगा है? तो याद करो हम शुरू में पढ़ाए थे आपको शो और हाइड ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एसपी, हमने बोला था आगे जब मैं पढ़ाऊंगा मार्क लगाऊंगा तो आपको समझाऊंगा क्या जरूरत है। अब यही ऑप्शन बताएगा कि हम कोई मार्क लगाए हैं कि नहीं लगाए, कैसे पता करें रियल में लगा है कि नहीं लगा है। अब देखो मैं जैसे होम टैब में आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद जैसे शो और हाइड पे क्लिक करूंगा तो देखो बता रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, दिख रहा है, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक हो गया है।
ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया, संतुष्ट हो गए, अब हटा दे, बस यही काम था इसका। अब क्या करूंगा, अब देखो अभी भी कुछ नहीं होने वाला है, चेंज करूंगा सब पे चेंज होगा, इस पे जो है रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाले पे चेंज करना हमको ना, सेकेंड वाले पे आके इसी के टॉप पे डबल क्लिक करूंगा, और जैसे डबल क्लिक करूंगा हेडर हमारा एडिट में मोड में ओपन हो जाएगा। किस मोड में? एडिट मोड में। और एडिट मोड में ओपन होने के बाद से देखो यहीं पे का ऑप्शन आएगा, लिंक टू प्रीवियस। क्या है लिंक टू प्रीवियस? इस लिंक टू प्रीवियस का क्या मतलब है, मतलब यह पीछे वाले पेज से आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इसी कारण पहले पे चेंज करोगे तो भी सब पे चेंज होगा, और दूसरे पे चेंज करोगे तो भी सब पे चेंज होगा, लास्ट वाले पे चेंज करोगे तो भी सब पे चेंज होगा। तो हम बोल रहे हैं बाबू लिंक टू प्रीवियस जो कनेक्ट है आपस में उसको तोड़ दो, हटा दो इस लिंक को, तो हम क्या करेंगे उसको अनचेक कर देंगे, क्या कर देंगे अब अनचेक कर देंगे। अब देखो फायदा क्या होगा, अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा ना, और आने के बाद से मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अब क्लोज कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, लेकिन ऊपर चला, समाया। अब देखो एक ही पेज पे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखेगा, लेकिन दूसरे पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरे पे ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथे पे ऑपरेटिंग सिस्टम, होगा ना। चलो फिर सब तोड़ना चाहते हैं, कहां से? तो यहां से, या इस पे रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद वाले में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखना हमको, हमको तो दूसरा कोई हेडिंग देना है, दूसरा लेसन है हमारा। क्या है वह? तो मान लो हमारा एमएस ऑफिस है, तो चलिए आता हूँ यहाँ पे, फिर से क्लिक करूंगा, और कहाँ जाऊंगा? पेज लेआउट, उसके बाद से ब्रेक, उसके बाद से नेक्स्ट पेज, फिर सब तो देखना, मैं बता ही दिया, देखना है तो संतुष्ट होना है तो संतुष्ट हो जाओ यहाँ से देख के, हो गया है, बस हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसी वाले पे आऊंगा और क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, और उसके बाद से लिखना मत देना, लिख दोगे फिर से चेंज हो जाएगा, पहले लिंक टू प्रीवियस को हटा दें, और तब लिखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, क्लोज। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट, उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब है ये नहीं है, तो क्या आएगा? अब इसके बाद और पेज ला दे तो इक्वल रैंक ब्रेकेट ओपन 20, देखो इंटर एमएस ऑफिस ही आएगा, क्यों आएगा? अरे हाँ, एक दूसरे सब लिंक है, फिर से तोड़ना, फिर से तोड़ना पड़ेगा, बातें समझ आ रही है? कर ले जाओगे सभी लोग? तो यह तरीका है हेडर और फुटर का, कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, और कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इसी में अगला ऑप्शन दिया लास्ट, वह है पेज नंबर, क्या दिया है, पेज नंबर। देखो नाम से पता चल रहा है पेज नंबर का मतलब क्या होता है, पेज नंबर मतलब ये पेज का नंबरिंग देना, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, पेज का नंबरिंग सबसे बेटर तरीके से हेडर और फुटर से दे, मतलब फुटर से दे सकते हैं, इससे भी देंगे, लेकिन देखो दिया है टॉप ऑफ पेज पे देना है, या बॉटम ऑफ पेज पे देना है, या पेज के मार्जिन की हिसाब से देना है, या करेंट पोजीशन पे देना है, तो जो दे दोगे उसी के हिसाब से जाएगा। मान लो टॉप पे कर देते हैं, टॉप पे देखो आ जाएगा, बताओ हेडर हमारा गायब हो गया, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हम हेडर इतना मेहनत से बनाए हैं, लगाए हैं, इसीलिए ये तरीका अच्छा नहीं रहता, इसीलिए हम जो था पहले से वही रहने देंगे, और बेटर तरीके से दिखाई भी देता है। पेज नंबर देना है तो फुटर से दे देंगे। अब देखो इसको प्रिंट करने जाऊं, फाइल पे आऊं और प्रिंट पे आऊं, कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, है कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब कई लोग इसी में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, सर इसका पीडीएफ कैसे बनाएंगे? ध्यान दो, एमएस वर्ड में अच्छी सुविधा दी गई है कि पीडीएफ बनाने के लिए कहीं जाना नहीं है, देख लो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इसी का पूरा क्या करना हमको, पीडीएफ बना देना है, अब पीडीएफ बना के सेंड करना कहीं, तो क्या करोगे आप? कुछ मत करो, फाइल पे आओ, सेव एज पे आओ, ब्राउज पे आओ, डाटा मान लो कैसा है, तुमने कोई डाटा बनाया था? ठीक है, सपोज मान लो हमारा ट्रिपल सी का बुक है, और इसका पीडीएफ बनाना है, ठीक
तो देखो लिखा ना सेव ए टाई, यहाँ पे लिखा जो वर्ड डॉक्यूमेंट यही पे आके ले लेंगे पीडीएफ। क्या ले लेंगे पीडीएफ, मतलब क्या होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब बस यहाँ पे क्लिक कर दें और क्लिक करते ही कहाँ पे सेव करना है डेस्कटॉप पे, और इसको सेव कर दिया। अब देखो इसका पीडीएफ देखो हमारे सामने आ गया, आ गया। क्या इस पीडीएफ में एडिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब देखो फायदा क्या है, जो हमारा फाइल था वह ही है, एमएस वर्ड में भी डाटा रहेगा, लेकिन एक पीडीएफ भी बन के हमारे सामने आ गए। तो बोलिए इन सबका इस्तेमाल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो मैंने पीडीएफ भी बनाना बता दिया, हेडर फुटर लगाना भी बता दिया, पेज का नंबरिंग देना भी बता दिया, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कर ले जाएंगे ना आप लोग। चलिए चलिए कुछ शॉर्टकट भी लिखिए, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा गड़बड़ आ जाएगा, प्रैक्टिकल होगा नहीं। अरे यार डेली तो मना नहीं किया था, आज बस
यह याद करना है, कल ये पूछूंगा और दो तीन आसन और उसमें पढ़ाऊंगा, उसके बाद से कल वाला और आज वाला दोनों आप एक साथ कर दूंगा, ठीक है? पूछने के बाद ठीक है, जहां तक पढ़ाया वहां तक पूछूंगा और यह तौर पर भी तब से पूछूंगा, ध्यान रखना कोई झुकेगा नहीं। ए सांद्र बाबू, विपुल, किसका डेट है बाबू? कल आज अच्छा 500 बाकी है, अभी जमा कर दे रहा हूँ। महेश्वर, कल किसका डेट है बाबू? कर दो। मिथिलेश, किस बाबू? कल। आदित्य कहाँ गए? क्यों
कौन सा बैंक है? चलेगा करो, नहीं चल रहा सर, क्यों? कल ही हम पेमेंट कटवाए, कल हम गए थे बनी देवी में, ठीक है, चार हजार जमा ऑनलाइन ये किए। आज बस चेक करो, हमारा कौन सा था? पीएनबी से था, हो गया था, कल दिखाएं कल के डेट में ट्रांजेक्शन, नकली वाला बैंक था। चलिए, कितना राजा है नहीं है, राज ने बीच में जमा करेंगे तीनों। संदीप अदर जमा कर दे, लक्ष्मी आज जमा कर दो, धनंजय तुम बाबू उसी दिन से जमा कर रहे हो, तो अब आएगा कि तुम जमा करो, जमा हो जाएगा। शशि भूषण नाथ यादव यह क्यों आ नहीं रहा है? विपुल, साक्षी सिंह, महेश्वर, मुकेश, मिथिलेश, गीतांजलि, आदित्य, केसर राजा, राजन, विशाल, समीर, आराध्या, वंदना, संदीप, आदर्श, अब्दुल कलाम, लक्ष्मी, अमर सिंह, मनीष, धनंजय, संदीप, संदीप मदेसिया, अस्नैन, सरगम, मिथुन, रिसु, दिलीप, दिलीप, शशि भूषण नाथ यादव, प्रिंस, रिसु आए हैं, मिथुन, चलिए तब फीस वाले चलो बाबू आ जाए, हाँ घर जा सकते हैं। अरे प्लीज टाइम लगेगा, इस बार उनका 9 बजे टाइम है, नहीं चेंज कर जब तक पोस्ट करेगा तब तक चेंज हो, वो लोग उनका जो मर्जी तो चेंज करते हैं। हमारा आ गया, हमारा नहीं मिलता।
आता
Thank you.
Thank you.